एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस फॉर क्विज। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का पता लगाया था? सोचें, 2 सेकंड का समय है। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं रॉबर्ट हुक, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा है जीवित कोशिका। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का पता लगाया था वो एक मृत कोशिका थी। बोतल का जो ढक्कन होता है, जिसको कोरक कहते हैं, वहाँ से इन्होंने कोशिका का पता लगाया था लगभग 1665 में, तो वो मृत कोशिका थी। तो आपका सही आंसर होगा लेवनहॉक। इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लेवनहॉक। लेवनहॉक ने क्या किया कि तालाब में जो शैवाल होते हैं, उन शैवालों का अध्ययन किया और जो कोशिका का पता लगाया वो एक शैवाल की जीवित कोशिका थी। वहीं हम ऑप्शन सी का देखें, स्लीडन और सवान। तो आपको याद आ रहा होगा कि इन्होंने कोशिका का जो सिद्धांत है वो दिया था, तो इसलिए ये फेमस है। और डी में देखिए, रॉबर्ट ब्राउन, ये वैज्ञानिक इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका पहली बार पता लगाया था। तो एक तरह से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए कोशिका के बारे में। अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए, महिलाओं के आरक्षित सीटों का पूछा गया है कि संसद में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, या विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित हैं, या स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें आरक्षित हैं, या सभी में आरक्षित है। तो सोच के बताइए, 2 सेकंड का समय। देखिए, इसमें आपको याद जैसा कुछ नहीं रखना, बस आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या आपने सुना है कि ये सीट है महिला एमपी के लिए आरक्षित है संसद के लिए? क्या आपने सुना है कि यहाँ पर जो महिला है वो ही एमएलए होगी, यानी कि विधायक बनेंगी? नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि इस पर बात चल रही है लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप स्थानीय निकायों की बात करेंगे, जैसे कि सरपंच का चुनाव अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप सुनते होंगे कि ये रिजर्व में आ गई है सीट। ब्लॉक समिति का जो चुनाव होता है वहाँ पर देखेंगे, और जो पार्षद का चुनाव होता है। तो इस प्रकार स्थानीय निकाय इसका सही आंसर होगा। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33%, यानी कि 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित करके दी जाती हैं, उस पर केवल महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। सर क्रीक लाइन जो है वो किन 2 क्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सोचें। देखिए, सर क्रीक लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और भारत का जो गुजरात क्षेत्र है, वहाँ पर जो लाइन है उसको सर क्रीक लाइन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, सर क्रीक लाइन। और सर क्रीक लाइन को कई बार लिखा आता है बाण गंगा, तो इसको बाण गंगा लाइन भी कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए बाण गंगा किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। अगर हम वैसे देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन किया था वो रेड क्लीफ ने किया था, इसलिए तो उसको रेड क्लीफ भी कहते हैं। जैसे पंजाब, राजस्थान, और ये जो यहाँ से लाइन जो गुजरती है वो रेड क्लीफ है। और वहीं हम देखें जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने POK को कैप्चर कर रखा है, तो वहाँ पर जो लाइन है जिसको UN के कहने पर वहीं पर स्थगित कर दिया गया था, तो उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो LOC है। तो इसको LAC से कन्फ्यूज मत करना, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच है। अगर आप देखेंगे भारत और चीन के बीच जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में, वो LAC कहलाती है। और LOC क्या है? POK वाले क्षेत्र में, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जो एरिया जो अब तो लद्दाख में है, कर वो लद्दाख बना दिया वहाँ पर काट के। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं सर क्रीक लाइन, यहाँ पर देखिए ये गुजरात प्रांत है और ये सिंध प्रांत है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये रेड क्लीफ लाइन है ये वाली। और LOC देखेंगे तो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर है, जो पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये LAC है, ये चाइना और भारत के बीच जो है ये LAC है, और यहाँ पर ये जो है ये LOC है, ये बाकी रेड क्लीफ लाइन हो ही गई, और जो यहाँ पर है ये सर क्रीक लाइन है। यहाँ पर भी थोड़ा विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां समानांतर रेखा किसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, मतलब अब नहीं है।
सोचिंग, आई थिंक आप फोटो देख के समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। तो वियतनाम जो था वो दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लगभग 1954 से लेकर के 75 तक ऐसा चला था, और अमेरिका ने भी इस युद्ध में खूब भाग लिया था और वो हार भी गया था। तो 1976 में क्या होता है कि वियतनाम में ये युद्ध विराम होता है और फिर से वियतनाम एक हो जाता है। लेकिन ये जो रेखा थी अब इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये पहले 17 डिग्री समानांतर रेखा इनकी 17वीं अक्षांश पर थी, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच थी। अगला देखिए, प्लेज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? सोचें। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है। अगर आप देखेंगे, ये है कोशिका, इसके बीच हो गया केंद्रक, यहाँ कहीं माइटोकांड्रिया, यहाँ पर ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से जो भी कोशिका के अंग है, ये झिल्ली जो क्या करती है, अगर जैसे देखिए, अगर बाहर से अगर ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ रही है, तो ऑक्सीजन अगर अंदर कम हो जाएगी तो डिफ्यूज़न के माध्यम से ये कोशिका झिल्ली क्या करेगी, ऑक्सीजन को अंदर आने देगी। और CO2 का स्तर जब कोशिका के अंदर बढ़ जाएगा तो यही झिल्ली तय करेगी कि CO2 को बाहर निकाला जाए। इसलिए ये एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, यानी कि सिलेक्शन करती है कि किस चीज़ को बाहर जाने देना है और किसको अंदर। इस कारण इसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक, यानी कि चुनाव करती है एक तरह से। तो देखिए, ये इसका, वैसे अगर आप ये देखें, कोशिका का आकार निश्चित करती है बाहर, ठीक है, लेकिन इस कारण इसको पारगम्य झिल्ली तो नहीं कह सकती ना। कोशिका का आकार तो कोशिका भित्ति भी निश्चित करती है। पौधों में अगर देखें तो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका का आकार निर्धारित करती है, तो ये नहीं हो सकता। बाहरी परत तो कोशिका भित्ति भी हो सकती है। तो पदार्थों का जो आवागमन है वो डिसाइड करती है प्लेज्मा झिल्ली, इस कारण इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने NCERT से लिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, NCERT की 9th की बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सोचें। तो देखिए, माउंट एटना अगर आप देखेंगे तो ये इटली में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन सी। ये काफ़ी फेमस है और एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, माउंट एटना और एक होता है माउंट विसुवियस, ये दो ज्वालामुखी है जो काफ़ी फेमस है और पूछे भी जाते हैं, माउंट विसुवियस। तो याद रखिए, माउंट एटना और विसुवियस इटली में है। वहीं हम रूस में देखें तो एक फेमस है ज्वालामुखी पर्वत, एल्ब्रूस। तो माउंट एल्ब्रूस ये पूरे यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है और ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो तो आप जानते ही होंगे, तंजानिया में है, और ये अफ्रीका की, पूरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट किलिमंजारो। और पपुआ न्यू गिनी में एक ज्वालामुखी पर्वत है, फेमस है, गिलुवे, माउंट गिलुवे। तो आपको 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से कवर कर दिए हैं, एक्चुअली आपके 10 नहीं बल्कि मैं एक तरह से 40 क्वेश्चन आपके तैयार करवा रहा हूँ। तो ये आप चाहें तो लिख लीजिए, माउंट एल्ब्रूस, माउंट तंजानिया में जो है वो, सॉरी तंजानिया मैंने लिखा नहीं था, किलिमंजारो यहाँ लिखना था, हाँ किलिमंजारो तंजानिया में, इटली में 2, माउंट विसुवियस और माउंट एटना, और पपुआ न्यू गिनी में माउंट गिलुवे। तो ये ज्वालामुखी पर्वत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे मैंने सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताया था, क्या आपको ध्यान है, ओजेस डेल सेलेडो जो है वो 6893 यानी कि 6893 मीटर ऊंचा है, और ये चिली में है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस नेता की समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहते हैं? सोचें। वैसे आपको बता दूं कि महाप्रयाण का अर्थ होता है महापथ गमन, तो इसमें देखिए इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो शक्ति घाट कहलाता है, और ये दिल्ली में है। मुरारजी देसाई, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मुरारजी देसाई की जो समाधि है वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात, क्योंकि ये गुजरात से ही थे, तो इनका गुजरात में समाधि स्थल है, और ये क्या कहलाता है, अभय घाट। तो याद रखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, 1977 में बने थे इमरजेंसी के बाद, तो अभय घाट इनकी समाधि कहलाती है मुरारजी देसाई की। B.R. अंबेडकर जी, इनकी समाधि कहाँ बनी है, इनकी महाराष्ट्र में है इनकी समाधि, और उसका नाम है चैत्य भूमि,
चैत्य भूमि। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि वो स्थान कौन सा है जहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म में दीक्षा हासिल की थी, तो वो होती है दीक्षा भूमि। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दीक्षा भूमि। तो दीक्षा भूमि में इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये याद रखिए। और जहाँ इनकी समाधि है वो कहलाती है चैत्य भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो समाधि स्थल है पटना में, उसको कहते हैं महाप्रयाण घाट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरायकेला छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? सोचें, देखिए छऊ नृत्य है जो इन तीनों ही राज्यों में होता है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, लेकिन नाम अलग अलग हैं। उड़ीसा का जो एक जिला है मयूरभंज, तो इस कारण इसको मयूरभंज छऊ कहते हैं, मयूरभंज छऊ। और इसकी खास बात यह है कि इस नृत्य में जो मुखौटा होता है, मुखौटा वो नहीं पहना जाता, बाकी इन दो में मुखौटा पहना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो होता है उसको कहते हैं पुरलिया छऊ। और जो झारखंड में होता है वो होता है सरायकेला, जो आपका आंसर है सरायकेला छऊ। और सरायकेला छऊ जो है झारखंड में होता है। इस तीनों ही छऊ को, मयूरभंज छऊ, पुरलिया छऊ और सरायकेला छऊ, इनको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सूची में जगह दी थी 2010 में, यानी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है तीनों डांस, मयूरभंज छऊ, पुरलिया छऊ और सरायकेला छऊ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्पाओ लोक नृत्य का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है? सोचें, तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में है स्पाओ नृत्य होता है, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया था, इसके अलावा लद्दाख में सोंडोल डांस भी होता है, सोंडोल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही होगा कूद नृत्य, राउफ, सबको पता होता है राउफ, और बच्चा नगमा होता है, और हाफिजा। तो इस तरह से कई डांस जो हैं जम्मू कश्मीर में होते हैं। सिक्किम में लगभग एक ही डांस फेमस है, सिंघी छम, जिसमें शेर जैसी पोशाक पहनी जाती है और डांस वगैरह किया जाता है। तो अगर आप ये डांस वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंधु क्लासेस पर जाइए, वहाँ पर मैंने डिटेल में दो पार्ट्स में कवर किया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित निकाय कब अस्तित्व में आए थे? सोचें, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का, इन्हें जनक कहा जाता है, इन्होंने ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लेकिन अगर हम देखें तो भारत को में इनको संवैधानिक जो दर्जा मिला था वो 1992 में मिला था, दो संविधान संशोधन हमने किए थे, 74वां और 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया था कि जो पंचायती राज थे उनको काम करने के लिए 29 विषय दिए थे और 11वीं अनुसूची इसमें ऐड की थी हमने संविधान में। और 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषय दिए गए थे काम करने के लिए, और इसके लिए हमने 12वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन ज़रूर दें। धन्यवाद।